हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया था दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, तो इसके ऊपर हमने बहुत से वीडियोस पहले बनाए हैं जिनमें हमने स्क्वायर रूट्स ऑफ रैशनल नंबर देखा था, फिर स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स देखा था और भी बहुत कुछ है। अगर आपने वो सभी वीडियोज मिस किए तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर्स यूजिंग स्क्वायर रूट टेबल। अब स्क्वायर रूट टेबल क्या होता है, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नंबर्स दिए हैं और साइड में उनके स्क्वायर रूट दिए हैं। तो ये स्क्वायर रूट टेबल्स 1 to 99 तक के नंबर्स का हमें दिया है, ठीक है। तो 1 to 99 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप इस स्क्वायर रूट टेबल से देख सकते हो। अब इस स्क्वायर रूट टेबल का यूज़ कैसे करना है और जो हमें इसका यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट हम स्क्वायर रूट टेबल से फाइंड नहीं कर सकते वो कैसे फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एक नंबर दी 405, तो 405 इज नॉट इन स्क्वायर रूट टेबल, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। फिर एक नंबर है जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1183 फाइंड करना है यूजिंग स्क्वायर रूट टेबल, इसका ये नंबर था हमें स्क्वायर रूट टेबल में नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। या फिर नंबर ले लेते जैसे डेसिमल्स के कुछ नंबर जैसे 15.21, अब इसका स्क्वायर रूट यूजिंग मतलब वो डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने के मेथड से आप कर सकते हो, लेकिन इसको हम स्क्वायर रूट टेबल से भी कर सकते हैं, वो कैसे करना है। एक और लेते जैसे डेसिमल्स में ही जैसे 90.27, इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो वी विल सी नाउ एक्सरसाइज 3.9 जो है फ्रॉम कोल्डवा बुक्स। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग स्क्वायर रूट टेबल। तो आप देखो कि ये नंबर तो स्क्वायर रूट टेबल में नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, इसके पहले हमें आप फैक्टर्स करेंगे, यानी ये नंबर कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को मल्टीप्लाई किसी डिजिट से करेंगे तो आती है, वो हमें देखना है, ठीक है। वो कैसे करते हैं, तो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 1183, ठीक है। आप देखो ये जो नंबर है इज इट डिविजिबल बाय 2, नो, 3 से है क्या, 8 + 3 = 11, 12 = 13, 3 से भी नहीं है, 4 से तो है नहीं, 7 से है क्या, तो 7 से इसको डिवाइड करो या 7 की टेस्ट अप्लाई करो, तो 3 का ट्वाइस हो गया 6, 118 - 6 दैट इज इक्वल टू 112। अब इसमें 3 की टेस्ट 7 की टेस्ट लगाओ, 2 का डबल 4, 11 - 4 करो, सो यू विल गेट हेयर 7। यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, सो वी विल डिवाइड इट बाय 7, तो 7 × 7 रिमेन 4 कैरी 8, 7 × 6 = 42 रिमेन 6 कैरी 3, 7 × 9 = 63। नाउ सी हियर 169 इज स्क्वायर ऑफ 13, सो इट इज डिविजिबल बाय 13, या लिखेंगे 13 जा और फिर 13 1 जा, तो इसके जो फैक्टर्स हो गए 1183 के वो हो गए 7 × 13 × 13, सो वी विल राइट 1183 इज इक्वल टू 7 × 13 × 13, एंड यू नो दैट 13 × 13 इज स्क्वायर ऑफ 13, सो यू विल गेट इट 7 × 13 स्क्वायर। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, देयरफॉर वी विल राइट हियर स्क्वायर रूट 1183 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 × 13 स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर रूट है वो 7 का भी होता है और 13 स्क्वायर का भी है, सो यू विल गेट हियर स्क्वायर रूट ऑफ 7 × स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर। नाउ सी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, सो यहाँ पे रहेगा 13, सो वी विल राइट हियर 13 × स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू। अब ये जो है 7 का स्क्वायर रूट आप देखो अपने स्क्वायर रूट टेबल में कितना है, तो 7 का स्क्वायर रूट है 2.646, सो विल राइट हियर 13 × 2.646 इज इक्वल टू, नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 13, सो यू विल गेट, यहाँ पे हम साइड में इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2.646 × 13, 13 × 6 = 78 कैरी 7, 13 × 4 = 52 + 7 = 59 कैरी 5, 13 × 6 = 78, 78 + 5 = 83 कैरी 8, 13 × 2 = 26, 26 + 8 = 34, पुट डेसिमल पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट, सो यू विल गेट हियर 34.398,
So this is the square root of this number. Got it? Next we will see question number 6, 405. We have to find the square root of 405. अब 405 को हम स्प्लिट करेंगे नंबर्स में, ऐसे नंबर्स को करेंगे कि एक हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलनी चाहिए. तो उसके लिए हम 405 को यहां प्राइम फैक्टर उसके फाइंड करते हैं. सो हियर आई विल राइट 405. सी दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. पहले देखना 2 से एक है, 3 से एक है और प्राइम नंबर से. ओके, तो पहले 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करो इसको. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. फिर से 3 से डिविजिबल है सो आई विल राइट हियर 3, 3 4 जा 12, रिमेन 1, 3 5 जा 15. फिर से 3 से डिविजिबल है सो 3 15 जा. फिर से 3 से है 3 5 जा और फिर 5 1 जा. अब देखो यहां पे 3 के 4 ग्रुप बन गए, उसको कैसे लिखेंगे. सी एफ 405 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 3 × 5. सी एफ 3 3 जा 9, 3 3 जा 9. सो वी विल राइट हियर 9 × 9 मल्टीप्लाई 5. 9 इंटू 9 कितना होता है 81 मल्टीप्लाई 5. या ठीक है, या फिर आप यहाँ पे 9 का स्क्वायर भी कर सकते हो. ठीक है, एक देखो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गई और दूसरी नहीं है, तो इस तरह से हमें दिए गए नंबर को स्प्लिट करना है. देयरफॉर वी विल राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ 405 इज इक्वल टू, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे सो वी विल राइट हियर 81 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू. अब देखो 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, सो आई विल राइट हियर 9 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज इक्वल टू. अब 5 का जो स्क्वायर रूट है वो आप देखो स्क्वायर रूट टेबल में. तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 2.236. ये हमने देखा है स्क्वायर रूट टेबल में. सो 9 एज इट इज मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज 2.236 इज इक्वल टू. अब इनकी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो, 9 से मल्टीप्लाई करो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 3 जा 27 प्लस 5 32 कैरी हो गया 3, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 21 कैरी हो गया 2, 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 20 डेसिमल पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट. सो यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 405 इज 20.125. इन दिस वे यू कैन सॉल्व अदर क्वेश्चंस आल्सो. नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ डेसिमल्स. वी विल फाइंड नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 15.21. सो फर्स्ट आपको डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना, सो यू विल गेट हियर 15.21 इज इक्वल टू 1521/100. यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट टू डिजिट के बाद है तो डिनोमिनेटर में हमने लिया 100. अब आपको क्या करना है कि 1521 को स्प्लिट करेंगे, वो कैसे. हाँ देखो 1521, अब देखो कि क्या ये नंबर किससे डिविजिबल है, 2 से तो नहीं है, क्या 3 से है. 1 प्लस 5 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 3 से डिविजिबल है सो आई विल राइट हियर 3, 3 5 जा 15, 3 0 जा 0, 3 7 जा 21. अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 सो विल राइट हियर 3, 3 1 जा 3, रिमेन 2 कैरी 0, 3 6 जा 18, रिमेन 2 कैरी 7, 3 9 जा 27. नाउ सी 169 इज स्क्वायर ऑफ 13 सो आई विल राइट हियर 13, 13 जा और फिर 13 1 जा. सो यू विल गेट हियर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 100 क्या है 10 का स्क्वायर है. वी कैन राइट इट 100 एज स्क्वायर ऑफ 10 या फिर आप इसको 100 एज इट इज रहने दो. सो यू विल गेट हियर. अब यहाँ पर देखो ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप, इसमें से एक डिजिट लो, इसमें से एक 13 3 जा 39. सो ये हो गया 39 मल्टीप्लाई 39 अपॉन 100. ठीक है, 39 अपॉन 39 मल्टीप्लाई 39 मीन्स 39 का स्क्वायर होता है. सो यू विल गेट हियर 39 स्क्वायर अपॉन, इसमें भी आप लिख लो 10 स्क्वायर. नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड. सो यू विल गेट हियर स्क्वायर रूट ऑफ 15.21 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 39 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर. अब ये जो स्क्वायर रूट है वो न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है. सो यू विल गेट हियर, यू कैन राइट इट इन दिस वे ऑल्सो, स्क्वायर रूट ऑफ 39 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर. ठीक है, हियर स्क्वायर स्क्वायर रूट इट कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट इट कैंसल, रिमेन 39 अपॉन 10. नाउ डिनोमिनेटर में 10 है तो डेसिमल पॉइंट न्यूमरेटर में आफ्टर वन डिजिट पुट करेंगे सो यू विल गेट 3.9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 15.21 इज 3.9. अभी जो हमने डेसिमल का एग्जांपल देखा,
उसमें हमने स्क्वायर रूट टेबल का यूज नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। अभी एक एग्जांपल ये और देखते हैं, 21.92 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मेथड वही है। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर 2192 अपॉन डेसिमल पॉइंट हटा दो 100 आ गया इज इक्वल टू। अब 2192 के यहां पे फैक्टर्स फाइंड करेंगे हम 2192, यहां साइड में दिखाना जरूरी है। अब देखो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है, सो आई विल राइट हियर 2 2 1 2, यहां पे हो गया 0, 2 4 2 9 18, रिमेन 1 2 6 12, फिर से 2 से डिवाइड होता है, सो आई विल राइट हियर 2 2 5 10, 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 4, 2 7 14, 2 4 8, फिर से डिवाइड होता है 2 से 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14। अब ये 137 जो है वो किसी से डिविजिबल नहीं है, दिस इज प्राइम नंबर, सो राइट हियर 137 और यहाँ पे हो गया 137 1 जा। ओके सो यहाँ पे आपको जो मिलेगा स्क्वायर रूट में, अब 137 फिर से किसी से डिविजिबल नहीं है, सो यहाँ पे देखो ग्रुप बन गए तो 4 × 4 हो गया, ठीक है। तो 4 × 4 × 137 upon 100, सो यू विल गेट 16 × 137 upon 100। नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, सो स्क्वायर रूट ऑफ 21.92 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 × 137 upon 100। अब 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 100 का होता है 10, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 137। अब 137 ये नंबर हमारे इसमें नहीं है, तो उसको अब कैसे करना है, तो ये एग्जांपल ये स्क्वायर रूट टेबल से सॉल्व नहीं होता है, तो अब इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। वो दूसरे मेथड कब यूज करते हैं, जब इस तरह से एग्जांपल सॉल्व नहीं होता है। तो अब ये सेकंड मेथड क्या है, इस सेकंड मेथड से हम ये जो डेसिमल नंबर है इसके स्क्वायर रूट हम एप्रोक्सीमेट वैल्यू तक फाइंड कर सकते हैं, परफेक्ट नहीं होता है लेकिन एप्रोक्सीमेटली उतना आता है स्क्वायर रूट। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो डेसिमल के पहले जो होल नंबर है उसको लो, तो वो 21 है। अब 21 के आगे की नंबर कौन सी है, 22, तो आप क्या करो सबसे पहले तो 22 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 22 इज इक्वल टू, ये सब क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो 0.92 है इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना वो हमें देखना है। तो 22 इसका जो स्क्वायर रूट है वो आपके स्क्वायर रूट टेबल में आप अगर देखोगे सो यू विल गेट 4.690, ठीक है। फिर जो पहली नंबर है हमारी 21 उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, वो आपके स्क्वायर रूट टेबल में दिया है एंड दैट इज 4.583। अब आप देखो कि हमें 1 का डिफरेंस फाइंड करना है, जैसे कैसे 22 − 21 = 1 होता है, तो ये 1 के लिए हमें उसके स्क्वायर रूट का डिफरेंस फाइंड करना है, सो वी विल राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ 22 − √21 = 22 का स्क्वायर रूट 4.690 माइनस 21 का स्क्वायर रूट 4.583, वी विल सब्ट्रैक्ट दिस ऑन राइट साइड, सो यू विल गेट हियर 4.690 4.583। सब्ट्रैक्ट करो, कैरी 1 किया 10 हो गया, 10 − 3 = 7, 8 − 8 = 0, 6 − 5 = 1, 0 पॉइंट, ओके सो आंसर आ गया 0.107। अब हमें ये जो है 0.92 के लिए जो स्क्वायर रूट का डिफरेंस है वो कितना होता है, सो फॉर 0.92 डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का जो डिफरेंस है वो अगर फाइंड करना है तो उसके लिए आप ये जो 0.107 है उसको 0.92 से मल्टीप्लाई करो, तो 0.92 × 0.107। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ हम साइड में करते हैं, तो डायरेक्ट आप 107 को 92 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 14, कैरी 1, 2 0 0 प्लस 1, 2 1 2, 9 7 63, 9 0 0 6, 9 1 9, सो यू विल गेट 4 4 8 9, ठीक है। सो यू विल गेट हियर डेसिमल पॉइंट पुट आफ्टर 5 डिजिट्स, तो 0.0, तो 0.098 3 डिजिट ही यहाँ पे हम लेंगे, डिजर 4 को उसको छोड़ दिया। अब हमें जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 21.92 इज इक्वल टू डिफरेंस इतना आया और इनका जो स्क्वायर रूट है उसमें हमें ये जो डिफरेंस है उसको हमें ऐड करना है।
तो 21 का जो स्क्वायर रूट है उस स्क्वायर रूट में ये जो डिफरेंस है उसको ऐड करेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 21 इज 4.583 प्लस डिफरेंस कितना है 0.098। अब इनको हम करेंगे ऐड। सो यू विल गेट हियर 8 प्लस 3 11 जा 1 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18 जा 8 कैरी 1, 1 प्लस 5 6 और यहाँ पे 4.6। तो इसका जो स्क्वेयर रूट है वो अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पे आप लिख लो अप्रोक्स, अप्रोक्स मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। तो 21.92 का स्क्वेयर रूट है 4.681। गॉट इट?